सत श्री अकाल जी, मैं हाँ गगनदीप सिंह आनंदपुरी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। आओ झात मारदे हां अज दीआं प्रमुख सुरखियां ते। पंजाब च ठंड ते सीत हवावां दा कहर जारी है। पहाड़ां विचली बर्फबारी मैदानी इलाकियां नूं प्रभावित कर रही है। बीती रात डलहौजी अते गुरदासपुर दे मौसम विच बहुत अंतर दर्ज नहीं किया गया। डलहौजी दा घट्टो घट तापमान 5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया, जदों कि गुरदासपुर विच इह 5.6 डिग्री रहा, जो कि पंजाब दा सब तो ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग ने हाले ठंडिया हवावां चलण अते सवेरे शाम की संघनी धुंद पैण की पेशी गनोई की है। कांग्रेस के सबका प्रधान और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से निशाना विनते हुए दोष लगाया कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश लई बेहद हानिकारक है और नफरत ही बेरोजगारी लई जिम्मेवार है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मैं ये भी मानता हाँ कि भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश लई बेहद हानिकारक है। यह नफरत ही बेरोजगारी लई जिम्मेवार है अते देसी विदेशी उद्योग बिना समाजिक शांति नवी चल सकते हैं। विधानसभा चोणां लई कांग्रेस हाईकमान के उम्मीदवारां दा ऐलान तो बाद शुरू होया बगावत का दौर लगातार जारी है। हुण तक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भरा मनोहर सिंह ने पार्टी नूं बागी तेवर दिखाए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के भरा डॉक्टर मनोहर सिंह बसी पठाणा सीट से दावेदारी जता रहे सन, पर कांग्रेस हाईकमान ने इस सीट से गुरप्रीत सिंह जीपी नूं उम्मीदवार ऐलान दिता है। उन्होंने कहा कि लोगों वालों उन्होंने पूरा समर्थन दिता जा रहा है, इसलिए बसी पठाणा तो चोण लड़के अपने विरोधियों नूं हराउणगे। डॉक्टर मनोहर ने यह भी कहा कि जेकर बाहरी हल्के तो कोई भी वर्कर या नेता उन्होंने विरोध किया जाएगा तो उन्होंने हिसाब किताब भी बराबर किया जाएगा। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज दुनिया की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम नूं 1 साल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री की अगवाई विच सबके अरदास नाल शुरू की गई यह मुहिम अज सब तो सफल टीकाकरण मुहिम रही है। मैं सारे ही सेहत कर्मचारी विज्ञानिकां अते देशवासियों नूं वधाई दिंदा हां कि इस मौके ते केंद्रीय सेहत मनसुख मांडविया ने भारत च बने टीके कोवैक्सीन ते आधारित डाट टिकट भी जारी की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों भारतीय चोण कमिशन नूं गुरु रविदास जयंती मौके ते विधानसभा चोणां 6 दिनां लई मुलतवी करन दी अपील कीते जाण तों बाद सूबा भाजपा इकाई अते पंजाब लोक कांग्रेस ने भी यही मांग कीती है। पंजाब दीआं 117 विधानसभा सीटां लई 14 फरवरी नूं वोटां पैणगीआं अते वोटां दी गिणती 10 मार्च नूं होवेगी। करोना नियमों की उलंघना करने दोषों तहत अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जानकारी मुताबिक बीते कल बिक्रम मजीठिया का अमृतसर पुजन से अकाली वर्करा ने वड्डा इकट्ठ करके स्वागत किया। इस चलते कोविड संबंधी धारावां लगा के अमृतसर के थाना सुल्तानविंड मामला दर्ज किया गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने टैसला के सीईओ एलन मस्क नूं सूबे विच निर्माण लई यूनिट स्थापित करन लई सद्दा दिता है। उन्हां कहा कि पंजाब माडल निवेश लई समां बाद सिंगल विंडो क्लीयरेंस नाल लुधियाणा नूं इलैक्ट्रॉनिक वाहनां अते बैटरी उद्योग दा हब बनाएगा। सिद्धू ने कहा कि मैं एलन मस्क नूं सद्दा दिंदा हाँ कि पंजाब माडल लुधियाणा नूं इलैक्ट्रॉनिक वहीकल अते बैटरी उद्योग लई केंद्र वजों बनाएगा, जिस नाल निवेश लई समाबद्ध सिंगल विंडो क्लीयरेंस होवेगी, जो पंजाब लई नवी तकनीक लैके आवेगी अते नौकरियां पैदा करेगी, वातावरण की संभाल ते टिकाऊ विकास दे मार्ग ते चलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वालों 10वीं-12वीं दीआं जमातां दी टर्म 2 दी प्रीख्या ऑफलाइन करवाउण दी योजना है। इस लई बोर्ड ने स्कूलों नूं हदायतां जारी कर दित्तियां हन। इस तों इलावा जे करोना कारण हालात खराब हुंदे तां टर्म 1 दीआं प्रीख्या आधार ते ही विद्यार्थियों का नतीजा ऐलान दिता जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों नूं 15 जनवरी नूं पत्र लिख के स्पष्ट किया है कि टर्म 2 दीआं मार्च अप्रैल विच होण वालीआं प्रीख्यावां ऑफलाइन करवाईआं जाणगीआं, जिस लई सैंपल पेपर जारी कर दिते गए हन अते बोर्ड ने इन्हां सैंपल पेपरां तों इलावा अंकां दा वेरवा भी अपनी वैबसाइट ते सांझा कर दिता है। इंडियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट अज का दिन भारतीय बैडमिंटन लई सुनहरी दिन साबित होया है। भारतीय शटलर
लक्ष्य सेन ने पुरशां दे फाइनल मैच विच विश्व चैंपियन लो केन यू नू सीधे सैटां विच हरा के खिताब जितया है। इस तों पहलां दिन विच सात कई वार राज रंकी रैडी अते चिराग शेंटी दी भारतीय जोड़ी ने पुरश डबल्स फाइनल विच तीन वार दी चैंपियन इंडोनेशियाई जोड़ी नू हरा के खिताब जितया सी। न्यूयॉर्क के जे एफ के कौमांतरी हवाई अड्डे से भारतीय मूल के सिख टैक्सी ड्राइवर अते हमला कर उसकी पग लाहौन अते पगड़ीधारी अपने देश वापस चले जाण कहण के दोष हेठ मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया है। उस ते नस्ली नफरत का दोष लाया गया है। मुहम्मद हसनैन नूं 3 जनवरी नूं सिख टैक्सी ड्राइवर नाल कुटमार करन ते दोष विच गिरफ्तार किया गया। नवीं ते ताज़ा खबरों का बुलेटिन लैके फिर तो हाजिर होवांगे। उदों तक मैनूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल।